हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और गाइस अभी मैं जस्ट अपना फ़ोन पीछे से निकाल के ला रहा हूँ, चार्जिंग के लिए दिया था पड़ोस में। लाइट अभी तक हमारे घर में नहीं आई है, आई थिंक एक आध दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए अभी अम्मा बाहर से बैठी हुई है, मिलते हैं। माँ की कर रही हो, तेल लगा ली हो मींजंगू? गाइस एक्चुअली ना होता कुछ यूँ है कि ये ठंडियों में ये तेल जम जाता है, तो देखो अम्मा के बालों में ये तेल पूरा एकदम चिपक के आ रखा है। हाँ, ये तेल को पिघला तो लेती पहले, क्यों? चलो बैठो, मैं आता हूँ। क्या करना है? कमल छत में डाल दो। क्यों, यहाँ सूख तो जाएंगे? हाँ, सूखेंगे, वहाँ जल्दी सूख जाएंगे। चलो छत में ही डाल देता हूँ। पहले अम्मा जी के बनाने मुझे बात। ये हैं अम्मा की केस किंग वाली जुल्फे। केस किंग लगाओ, अपने बालों को घना और ताजा पाओ, गंजों को भी वो बाला बाल कर देगा। नहीं तो माला माल होता है, बाल बाल कर देगा। क्यों? अरे हाँ गाइस, मैंने अभी पपीता ला रखा था बाहर, अभी हम खाएंगे पपीता। वो भी होता है इतना बड़ा। हम कल फ्राइडे मार्केट गए हुए थे, वहाँ से लाए। खाती हो पपीता अम्मा? मैं देता हूँ, रुको, आओ हम मिलके खाएंगे। जैसी दे भले जैसी, कोई बात नहीं। इसके दाने भी खा सकते हैं, इसके दाने खाने के बाद हमारे पेट से पेड़ तो नहीं क्या आ जाएगा ना? दाने को फेंक देंगे। नहीं, ये खाने के बाद हमारे पेट से पेड़ तो के नहीं आ जाएगा ना, जैसे नीचे आता है। हो भी सकता है, हम कैसे बता सकते हैं भैया। अच्छा ऐसा है, मतलब लो, पहले से तुम बहुत खाती होगी ना ये सब? तुम्हारे पास खेत थे पहले? कुछ बताना चाहती हो अपने पहले के बारे में? कुछ यादें, पहले ऐसा करते थे? कितने भाई थे आप लोग? ओ अम्मा, अम्मा से थोड़ा पूछना पड़ता है ना कि पहले कैसा हुआ करता था, अब कैसे है। अम्मा तो बस खाने में मगर हैं। अम्मा को लगता है पपीता बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। गाइस बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। गाइस पता है मैं पूरा पपीता अकेले खा जाऊंगा, अब मैं किसी को नहीं देता। अम्मा, अब मैं पपीता नहीं दे सकता, बहुत टेस्टी हो रहा है, सारा मैं अकेले खा जाऊंगा, मैं नहीं दूंगा अब किसी को। गाइस पता है हमने कभी पपीते खरीद के खाए नहीं, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। हमारी पुष्पा भी आ गई उस पर। ओ पुष्पे आ जाओ, नीचे है। और खाती हो अम्मा? मैं दूंगा भी नहीं, मैं अभी नहीं खाती। कुछ यादें जो बताना चाहती हो? खेल करते थे पहले ना, हैं? खेल करते थे, खेल खेल तो सब बहुत मजा आता था ना पहले से। पहले मतलब हर जगह खेती खेत होते होंगे, पहाड़ों में, पहाड़ में पैदा हुई हो। यार गाइस पता है मैं जिंदगी में कभी पहाड़ नहीं गया हूँ, मुझे पहाड़ जाना है, पहाड़ देखना है, मैंने होता कैसा है। नैनीताल की बर्फ, हाय हाय। अब तो गर्मियों के मौसम आने वाले हैं, अब नहीं पड़ती होगी ना बर्फ? यार मुझे जाना था नैनीताल। अम्मा चले एक दिन हम दोनों अपनी फटफटिया में। पता है मैं आज तक ना जिंदगी में कभी नैनीताल गया ही नहीं, मतलब मुझे नैनीताल जाना एक सपना जैसा है मेरा। लो तरुण भी आ गया, आ जा तरुण, पिज्जा आ जा, इसको रख के आया। ओके खाएगा पपीजा? नहीं। क्यों? नहीं, ये फोन किसका है? तेरे पापा का है ना? मैं बेइज्जती कर रहा है ना, इसके बाद फोन नहीं है, सबको बता दे पूरी दुनिया को यस के बाद फोन नहीं है, बता दे। क्या करेगा? पढ़ाई कर। नमस्कार बुबू, बढ़िया है हाल चाल आपके? पपीता खाते हो बुबू? पपीता ऐसा ऐसा है ना, जब आप खा रहे हो तो मतलब सबको बांट के खाओ, मुझे सबके साथ बांटना पसंद है। और मेरे पापा इतने पपीते खाते हैं। अम्मा पापा पहले से क्या क्या खाते थे बताओगी जरा? सब कुछ खाता था। कितना कितना खाते थे वो तो बताओ? खूब रोटी खाता था। कितना खून?
पापा पता है पहले से, पापा ने एक दिन मुझको अपना शेड्यूल बताया कि वो क्या क्या उनका दिन का काम था। मैं पागल हो गया, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है भैया। 10 से 20 रोटियां, 40 सीताफल, 40 सेव, 40 आम, 80 दाने आम के। अब मम्मी बोल रही उनकी खुद झूठ तो मेरी अम्मा बोलेगी नहीं। गन्ने कितने खाते थे? गन्ने भी खूब खाता। ये एक महीने का हिसाब नहीं बता रहा, ये एक दिन का हिसाब है। मेरे पापा का एक दिन का खाना इतना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस उनका एक घास है समझो। एक एक बार में इतना खा सकते हैं, ऐसी वो 100 बार खा सकते हैं एक दिन में। और काम भी तो उतना ही होता था, फिर इतने बड़े बड़े खेत होते थे, उसमें हल चलाना हुआ बहुत मुश्किल था गाइस। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा क्या खा रही है रे? आलू के चिकल क्यों खा रही है? क्यों मम्मी आलू के चिकल खा रही है रे? ये मम्मी भी इतने प्यार से, गंदी बात, उसको डांटने के बजाय इतना प्यार क्यों दिखाती हो? हमारे ऊपर तो कभी इतना प्यार नहीं दिखाया, हमें जैसी मारा ही नहीं होगा। वो मम्मी की पुसी है तो मतलब उससे प्यार से बरताना है, हमारा कुछ नहीं। हम क्या करें, हम मर जाए, मेरी को फीलिंग नहीं है। अभी आप सोच रहे होगे ना कि मेरे पीछे से क्या निकल रहा है। एक्चुअली दिस इज सो कॉल्ड माय जुल्फे, सो कॉल्ड मेरे बाल है गाइस, मेरी छोटी। सो अभी मुझे छत में कपड़े डाल के आने गाइस। अभी ना मैंने हुडी खोल दी क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है, मतलब रात को इतनी ठंड हो रही है लेकिन दिन में उसी के बजाय इतनी गर्मी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप फिर भी आप जानना चाहते हो तो आप मेरे घर आ जाओ, दैट इज ऑल। हाय, क्या ला रखे रे तू? मिल ले पापा, क्या ला रखे मिल ले? देखा अपनी बहन के लिए लाएगा, मिल ले तो कुछ लाएगा भी नहीं, तो ये पिस्ता है ना शायद, मेरी क्लास में एक जना लाता था तब खाए थे, उसके बाद कभी नहीं खाए। तरुण शक्ल तो दिखा अपनी, यार चश्मा पहन के बड़ा है वो लग रहा है आजकल। तिल्ले एक गाना अर्ज है, सुनाओ। श्रीवल्ली तो सुनाई होगा तूने, पुष्पा तेरी शक्ल वाला। तिल्ले, ओ तेरी शक्ल गंदी, ओ गंदी तेरी शक्ल गंदी, ओ थैंक यू। छिक्कल खिलाएगा मुझे, अंदर का देगा नहीं। ओके बात करो, बैठो, आप भी बात करो, बैठो, थैंक यू। चाय पियो भैया, चाय पियो। मम्मी आज ना मैंने स्ट्रीट शॉपिंग की है। किस चीज की स्ट्रीट शॉपिंग? लोग बोल लोगे बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं, स्ट्रीट शॉपिंग उस चीज की नहीं की मैंने करी है, रस की। और पता नहीं क्या होता है, मैंने जब मैं छोटा था मैं तब खाता था, उसके बाद मैंने खाई नहीं। मैंने कहा इट्स ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अरे दे रानी हूँ खाने के लिए, व्लॉग बना रहे हूँ। ये बन है गाइस, ये बन, रुको तो सही, ये नमकीन होता है। मैंने कहा जो मीठा है वो दे, क्योंकि मुझे मेरी चीज अच्छी लगती है। अब हम खाते हैं इसको, इसमें रस भी है, मतलब ये ना ये हाथ के बने हुए हैं। एक तो वो पैकेट में पैक्ड आते हैं जो कंपनी से आते हैं, ये वाले नहीं है, वो जो ठेली वाले आते हैं ना वो लोग लाते हैं, मैंने उनसे लिए, थोड़े से लिए नहीं मतलब खरीदे, लोग बोलेंगे लिए, माल लिए होंगे मतलब चोरी कर लिए होंगे, ऐसा नहीं है, हमने खरीदे, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। गाइज आपको पता है कि लाइट नहीं है, उसकी वजह से वीडियो मेरा थोड़ा व्लॉग बन नहीं पाता है शाम के टाइम पे, बट फिर भी अंधेरे में ही सही, लेकिन मैं आपके लिए व्लॉग बना जरूर देता हूँ। सो इसी बात में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।